कर मैं हूं अपर्णा मौजम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही है। उनके इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की आपत्ति के बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण में सुधार किया और कहा कि एमएसपी दी जा रही है, लेकिन किसान जो एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं वो नहीं दी जा रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी को अपना बयान सुधारना पड़ा और कहा कि लीगल गारंटी नहीं दी जा रही है। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद फसलों के एमएसपी के रेट बढ़ने तक के, ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी, तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे। वही राहुल गांधी के बयान से उज्जैन में साधु संत नाराज हो गए हैं। साधु संतों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हिंदुओं पर जो बयान राहुल गांधी ने सदन के अंदर दिया उस बयान पर आपत्ति साधु संत समाज की ओर से जताई गई है। राहुल गांधी राहुल गांधी भारत छोड़, भारत छोड़, भारत छोड़, मुसलमान की औलाद है, मुसलमान की औलाद है, गांधी भारत छोड़। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए, अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। वहीं सीएम ने राहुल के बयान पर हमला बोला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा, राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई और बयान को निराशाजनक करार दिया। जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है, लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, ये उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहाँ उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन नरसिंह घोटाले पर सड़क से लेकर सदन तक हंगामा दिखा। सदन में नरसिंह घोटाले पर चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा रहा। विपक्ष के हंगामे को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दो टूक लहजे में कहा, हमारी सरकार डरने वाली नहीं है,
उत्तेजना से कोई बात करे ये सुनने की आदत हमारी भी नहीं है। उधर विधानसभा अध्यक्ष ने नर्सिंग घोटाले पर चर्चा कराने पर सहमति दी और कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर नर्सिंग घोटाले पर चर्चा कराए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर का धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि कोर्ट में जो मामला है उस पर विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। सिंघार ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल की पॉलिसी बनाने वाले अधिकारियों पर एक्शन हो, ये हमारी मांग है। चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता हो, महेंद्र गुप्ता को क्या क्या भगोड़ा बना दिया भाग्या हो, उनको सबको सामने लाए। जब तक इन पे जांच नहीं होगी, जब तक इन पे नहीं होगा, इसका पर्दाफाश नहीं होगा। पर्दाफाश पूरा विधायक दल करना चाहता। धन्यवाद। विपक्ष की मांग पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नियम के अनुसार चर्चा को सरकार तैयार है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्थगन के नियम से चर्चा नहीं हो सकती। बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, एक तरीके से वह विधानसभा के अंदर मिसाइल की तरह काम करता है कि कार्रवाई चल रही और उसको ठप करके चर्चा कराई जाए। पर यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है, ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए मैंने सदन में भी कहा और आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम सदन के अंदर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नर्सिंग परीक्षा में हुई धांधली को लेकर आज सदन से लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मंत्री के बंगले का घेराव करने के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस ने ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, यहां भी पुलिस बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही जबलपुर, मंदसौर और मुरैना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। ये 7 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, हरदा, बालाघाट, रायसेन, श्योपुर, दतिया, उज्जैन और मंडला की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रोटेस्ट किया, कई जगहों पर पुतला भी फूंकने की कोशिश करते नजर आए कार्यकर्ता, पुतला फूंका भी गया है, देख सकते हैं आप उज्जैन और मंडला की तस्वीरों में। इधर नर्सिंग घोटाले की जांच की मांग पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है, कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था, हाईकोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है, केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है, रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियां हमको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो बातें सामने आ जाएंगी। आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट ने मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के इनकम टैक्स को लेकर नियम बदलने के विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। ये बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद ही अपना इनकम टैक्स भरेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की सहमति पर धन्यवाद भी किया। इससे पहले सरकार इनकम टैक्स भरती थी। इसके अलावा कुलपतियों को कुलगुरु के नाम से संबोधित किया जाएगा। आया और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया, वो जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निर्णय सरकार ने लिया उसी निर्णय के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और नेता प्रतिपक्ष उमंग शंगार जी ने भी यह घोषणा की कि हम भी
अपना वेतन भत्ते पे लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से नहीं, हम स्वयं भरेंगे। मैं अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। एमपी में गौवंश के बढ़ते अपराधों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गौवंश का अवैध परिवहन करते जो वाहन पकड़े जाएंगे उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने खुले बोरवेल पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब अगर कोई ट्यूबवेल खुला पाया जाएगा तो जुर्माना लगाने के साथ ही FIR दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। खुले ट्यूबवेल से होने वाली जनहानि के मामले में सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। को लेकर के जो वाहन जाते हैं उन वाहनों के लिए कोर्ट के द्वारा कई बार वो छूट जाते हैं। किसी भी हालत में हम गोवध परिवहन पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए हमने गोवध परिवहन के जो वाहन पकड़े जाएंगे कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत वैसे वाहनों को राजसात करने का निर्णय लिया है। उनको जब्त कर लेंगे, किसी हालत में उसको छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, ट्यूबवेल में कई बार घटना घटती है, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, बाद में तकलीफ होती है, कई बार जनहानि भी हो जाती है, बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। हम इसमें कठोर निर्णय हमने लिया है कि किसी हालत में जिस ट्यूबवेल में ओपन पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पंचायत और बाकी लोग पहले जुर्माना लगाएंगे, अगर ऐसी घटना घटती है तो FIR तक करके हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हर हालत में हर बच्चे की जान बचाना जरूरी है और ट्यूबवेल जैसे मामले में लापरवाही सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में अपील करता हूं कि जो कोई ट्यूबवेल कराना चाहता है वो उसको ठीक से कराए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BNS के तहत यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला केस ग्वालियर में दर्ज होने की बात कही। अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोटरसाइकिल चोरी को लेकर एक केस दर्ज किया गया है। अमित शाह ने बताया कि यह केस 12:10 पर रजिस्टर हुआ है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर। अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के प्रचार में पूर्व सीएम कमलनाथ भी उतरेंगे, उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहेंगे। दोनों ही 2, 3 और 4 जुलाई को अमरवाड़ा का दौरा करेंगे, जहां वो 2 जुलाई को पर्यवेक्षकों की बैठक लेंगे और चंद्रवंशी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वही 3 और 4 जुलाई को कई सभाएं करेंगे। बड़ी खबर उमरिया से है, जहां जिले में हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखकर सड़कर खराब हो गया। जिम्मेदारों को इसकी कोई सुध नहीं रही। जिले के उमरिया, खुटार, छपरौड़ और चंदिया कैंप में भंडारित हजारों क्विंटल गेहूं की दुर्दशा ये बताती है कि इसकी देखभाल में कोताही हुई है। खराब पड़ा गेहूं 2021-22 में यहां भंडारित किया गया था और विभाग के जिम्मेदार अफसर शायद ये भूल गए कि इस गेहूं को कैंप से उठाकर वेयरहाउस तक भी ले जाना था। बहरहाल गेहूं सड़ने के मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है, जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से गेहूं की कमी बताकर राशन की दुकानों से कटौती और फिर ओपन कैंप में गेहूं सड़ने की खबर जानकारों की इस आशंका को मजबूत करते हैं कि बियर कंपनी से सांठगांठ का ये बड़ा षड्यंत्र है। ये प्रदेश के सभी जिलों में ये स्थिति है और जहाँ तक उमरिया का प्रश्न है, उमरिया जिले में सब्जी मंडी में 23.9 मेट्रिक टन 21-22 का और 22-23 का ये है 22.9 ये 22-23 का है 22.9 AMT और इसके बाद जो है शेष जो है 427 मेट्रिक टन जो है आपका छपरौड़ कैंप में भंडारित है जो गेहूँ खराब हुआ है। चंदिया कैंप में जो है 47.1 MT है जिसको यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसको वितरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। जानकारी में आया है कि कुछ विगत वर्षों का जो खाद्यान्न है वो किसी कारणवश खराब हो गया था। इसकी जांच हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक समिति गठित की है, उस समिति के द्वारा जाँच की जा रही है और समिति की जाँच रिपोर्ट के अनुसार
ब्रिजेंद्र तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रिजेंद्र, इस तरीके से जहां पर ये गेहूं खुले में रखा रखा सड़ गया, वो साफ दिखाता है कि लापरवाही नहीं बल्कि साजिश की बू भी इससे आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जानकार बताते हैं कि ये कोई लापरवाही नहीं है बल्कि जो आपूर्ति निगम और बेयर हाउसिंग कारपोरेशन वालों की साजिश है, और बियर कंपनी जो होती है जो सड़े गेहूं को खरीदती है टेंडर लगा करके उनके साथ साथ लगा करके और जानबूझ करके गेहूं से लापरवाही बरती गई जिससे ये गेहूं सड़ा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के लिए राज्य स्तर पर जांच टीम गठित की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अब यह जांच कहां तक पहुंचती है, किस अंजाम तक पहुंचती है, ये कहना मुश्किल है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। धार के बदनावर में कार से 80 लाख मिले हैं। बताया जा रहा है कि बदनावर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार से 80 लाख रुपए अवैध तरीके से ले जाए जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर बदनावर पुलिस ने बड़ी चौपाटी पर घेराबंदी कर कार को रोका और तलाश ली तो एक बोरे में 80 लाख रुपए मिले। पूछताछ करने पर कार सवार दो लोग जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। चौपाटी पर वाहन को रोका, वाहन रोककर चेक करने पर उसमें चालक रितेश और उसका साथी दिव्य कुमार जैन मिले, जिनसे पूछा गया नकदी के संबंध में जानकारी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी में 80 लाख रुपए नकद है। जिसको चेक करके निकाला गया तो गिनने पर 80 लाख रुपए नकद रुपए मिले और उक्त नकद रुपयों के संबंध में उनसे कोई दस्तावेज मांगे गए तो उन्होंने तत्काल में दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, जिस पर उक्त नकदी के संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु IT इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। अलीराजपुर में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां फांसी के फंदे से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव लटके मिले। पति पत्नी और 3 बच्चों के शव फांसी के फंदे से लटके मिले। रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जताई है। सोंडवा के राउडी गांव की यह घटना है। घटना के बाद से गांव में तरह तरह की चर्चाएं हैं तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटा है। बच्चे 9 साल, 7 साल और 5 साल के हैं। इसमें प्रारंभिक तौर पे अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये कारण क्या है, बट पुलिस इसमें सक्रियता से लगी हुई है कारण पता करने का कि आखिर क्या वजह रही जो इन लोगों ने आत्महत्या की है। अभी फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें पुलिस अधीक्षक भी अपने जो पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास हैं वो घटनास्थल पर पहुँचे हैं। FSL की टीम वहाँ पहुँच रही है, उसके बाद और भी जानकारी प्राप्त हो पाएगी और हमारी टीम बनी हुई है वहाँ पर उसकी जानकारी लेने के लिए कि वजह क्या रही है आत्महत्या की। ग्वालियर में वार्ड नंबर 58 से बीजेपी के पार्षद स्मार्ट सिटी के दफ्तर में धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि वार्ड में 500 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। बार बार शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने जल्द ही स्ट्रीट लाइट ठीक करने का भरोसा दिया, तब जाकर पार्षद ने धरना खत्म किया। मेरे वार्ड में 500 से ज्यादा लाइटें खराब है, अब क्या करती, बोल बोलकर थक गई, प्यार से मानने वाले है ही नहीं, पूरे मठ है बिल्कुल सुनते ही नहीं है, तो मुझे यहाँ स्मार्ट सिटी में आकर धरना देना पड़ा। रोज इनसे संपर्क कर रही हूँ, सभी को अधिकारियों को बोल रही हूँ, इनके जो कर्मचारी है इनके तो आए दिन कर्मचारी बदलते हैं। रतलाम में एक लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला और उसके बेटों ने मारपीट की है, जमीन के झगड़े में ये मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नीली साड़ी पहने महिला के हाथ में डंडा है, उस लड़की पर लगातार डंडे बरसा रही है। ताल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट का ये वीडियो आमने सामने है। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उठी आवाज, अब
लगातार बुलंद हो रही है। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद अभिभावकों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है और वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं। जबलपुर में पेरेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में हजारों पेरेंट्स मालवीय चौक पर इकट्ठा हुए और निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। इसके बाद हजारों अभिभावक अपने बच्चों के साथ पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन घंटा घर पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वहीं ज्ञापन देने की अपील। जिसके बाद अभिभावक संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उसमें पेरेंट्स एसोसिएशन के 2 से 3 मेंबर को जोड़ा जाए। अच्छी होती है, पर ऐसा भी क्या मतलब, अब तो वो भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। बच्चों के ऊपर ही सिर्फ लोड लादा जाता है, फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर कोचिंग भी लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सीधे बोल देते हैं टीचर कि अरे इतने बच्चे कैसे संभाले, फीस तो इतना 4-4, 5-5 हज़ार लेते हैं, क्या अर्थ होता है इसका? देश को लेकर एकत्रित हुए हैं कि जो स्कूलों द्वारा बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है, अनाप शनाप फीस ली जा रही है, जो कि गलत है। और इतनी फीस लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये टैक्स फ्री बिजनेस है इनका। धार की भोजशाला पर अब एक नए समाज ने दावा किया है। भोजशाला पर जैन समाज ने दावा पेश करते हुए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। भोजशाला का कोर्ट के आदेश में एएसआई सर्वे कर रही है। खुदाई के दौरान जैन गुरुकुल को लेकर कुछ साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में कोर्ट में जैन समाज ने इसे लेकर याचिका लगाई है। एएसआई के सर्वे के 101 दिन पूरे हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20। हरदा में